उम्मे यहया हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं एक मरतबा हज को गया। दौरान सफर मुझे एक बूढ़ी औरत खातून एक मकाम पर बैठी हुई मिली। उसने ऊन का कुर्ता पहन रखा था और ऊन ही की ओढ़नी ओढ़ रखी थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो खातून ने जवाब में कहा, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। मैंने पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, यहाँ क्या कर रही हो? खातून ने कहा, मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया लहू, जिसका तर्जमा, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसको राह बताने वाला कोई नहीं। मैंने ख्याल किया वो रास्ता भूल गई है या अपने काफिले से बिछड़ गई है। चुनाचे उससे पूछा, तुम्हारा इरादा कहाँ जाने का है? तो खातून ने जवाब दिया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम यानी बैतुल्ला मक्का मुआज़मा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस ले गई। मैं समझ गया कि वो हज बैतुल्ला से फारिग हो चुकी है और अब बैतुल मुकद्दस जाना चाहती है। तो इस पर मैंने पूछा, कब से यहाँ बैठी हो? तो खातून ने जवाब दिया, सलासा लयालिन सविया, पूरी तीन रातें। मैंने कहा, तुम्हारे पास खाने पीने की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ये वक्त तुमने कैसे गुजारा? तो इस पर खातून ने कहा, वह युतइमुनी व यस्कीन, यानी वही अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है और मेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देता है। इसके बाद मैंने पूछा, वुज़ू कैसे करती हो? तो खातून ने जवाब दिया, फलम तजदू माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा, यानी पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मम कर लो। मतलब ये कि पानी नहीं मिलता तो तयम्मम कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने पूछा, मेरे पास खाना है, क्या तुम खाओगी? तो खातून ने कहा, अतिमु सियामा इलल लैल, रोज़ों को रात तक पूरा करो। मतलब ये कि मैं रोज़े से हूँ। तो मैंने कहा, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना तो नहीं है? तो खातून ने जवाब दिया, वमन ततवा खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम, जो बतौर नफल के नेक काम करे तो अल्लाह कबूल करने वाला और जानने वाला है। मतलब ये था कि मेरा नफली रोज़ा है। मैंने कहा, सफ़र की हालत में तो फ़र्ज़ रोज़ा ना रखने की भी इजाज़त है? तो खातून ने जवाब दिया, वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यानी और अगर तुम रोज़े रखो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते कि तुम सवाब का इल्म रखते हो। मैंने कहा, जिस तरह मैं तुमसे बातें करता हूँ तुम इस तरह क्यों मुझसे बातें नहीं करती? तो खातून ने फिर कहा, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीब, यानी इंसान जो बात भी मुँह से निकालता है उस पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। मतलब उसका यह था कि इंसान को अपनी हर बात का जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? खातून ने जवाब दिया, ला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म, इन्नस समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइक काना अन्हु मसऊला, यानी जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे मत पढ़ो, बिलाशुबा कान आँखें और दिल सबसे बाज पुरस होगी। मतलब उसका ये था कि ऐसी बातों से कान और दिल को आलूद ना करो जिनका जवाब देना पड़े। मैंने कहा, माफ़ करना मुझसे गलती हुई। तो खातून ने कहा, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। तो मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको अपनी ऊँटनी पर बिठा कर ले चलूँ और जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा दूँ। तो खातून ने कहा, वमा तफालू मिन खैरी यअलमुहुल्लाह, और नेकी का काम जो तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। मैं ये सुनकर ऊँटनी उसके करीब ले गया, उसे बिठाया और खातून से कहा, इस पर सवार हो जाओ। मगर वो सवार होने से पहले बोली, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़ु मिन अबसारहिम, यानी मोमनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। मतलब ये कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो या मुंह फेर कर खड़े हो जाओ ताकि मैं बिला झिझक सवार हो जाऊं। चुनाचे मैंने अपनी निगाहें नीची कर ली और उससे कहा, लो अब सवार हो जाओ। जब वो खातून सवार होने लगी तो अचानक ऊँटनी उठ खड़ी हुई और उसकी ओढ़नी कचावे से उलझ कर फट गई। मैंने उस पर इजहार अफसोस किया तो वो बोली, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, यानी तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है और अल्लाह बहुत सी खताओं को माफ़ कर देता है, यानी इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये मेरे आमाल का नतीजा है। मैंने कहा, ज़रा ठहरो, मैं ऊँटनी के पाँव बांध दूँ ताकि तुम इत्मीनान से सवार हो सको।
खातून ने कहा, फहमनाह सुलेमान, बस हमने समझा दिया सुलेमान को। मतलब ये था उसका, यानी ऊँटनी के पाँव ज़रूर बांधो, ये इसी तरह समझेगी। मैंने ऊँटनी के पाँव बांधे और उससे कहा अब सवार हो जाओ। वो सवार हो गई और आयत पढ़ी, सुबहानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, यानी पाक है वो ज़ात जिसने इसको हमारा मुती किया और हम इसकी सलाहियत ना रखते थे, और बेशक हम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाले हैं। मैंने ऊँटनी की महार पकड़ी और उसको हंकाते हुए चल पड़ा। मेरी रफ्तार भी तेज़ थी और जोश में मेरी आवाज़ भी बहुत बुलंद हो गई। इस पर वो खातून बोली, वक्सद फी मशिये का वक्सुस मिन सौते का, अपने चलने में एतदाल से काम लो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और साथ ही हुदी खानी करने लगा। इस पर खातून ने कहा, फ़करऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन, पढ़ो जितनी तौफीक हो कुरान से। मतलब ये कि इस हुदी खानी से बेहतर है कि कुरान पाक से कोई रकू पढ़ लो। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत सी खूबियाँ दी हैं, सब लोग तुम जैसे किस तरह बन जाएं। तो इस पर बोली, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, यानी सिर्फ अकल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं। फिर मैंने चलते चलते उससे पूछा, क्या तुम्हारा शौहर भी है? उसने कहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसऊकुम, ईमान वालो ऐसी चीज़ों के बारे में मत पूछो जो अगर तुम पर जहर कर दी जाएँ तो तुम्हें नागवार मालूम हूँ। अब मैं खामोश हो गया और चलते चलते काफ़िले के करीब जा पहुँचा। मैंने खातून से पूछा, क्या काफ़िले में आपका कोई कराबतदार है? उसने कहा, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, यानी माल और बेटे दुनियावी ज़िंदगी की जीनत हैं। मैंने समझ लिया काफ़िले में उसके बेटे मौजूद हैं। मैंने पूछा, कोई निशानी हो तो बताओ ताकि मैं उनको तलाश करूँ। तो वो बोली, व अलामातिन व बिन नजम हुम यहतदून, यानी अलामते हैं और सितारे ही से वो रास्ता पाते हैं। मैं समझ गया उसके बेटे काफ़िले के राहबर हैं। चुनाचे मैं ऊँटनी की महार पकड़े हुए काफ़िले में चक्कर लगाने लगा और इससे कहा कि अपने बेटों को ढूंढ ले। तो वो बोली, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब हुआ, और बनाया अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त और बात की मूसा से अच्छी तरह, ऐ यहया पकड़ लो किताब को मजबूती से। मतलब ये कि तुम इब्राहिम मूसा और यहया के नाम लेकर आवाज़ दो। ये सुनकर मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, या इब्राहिम या मूसा या यहया, तो फौरन तीन खूबसूरत नौजवान खेमे से निकल पड़े और बड़ी इज्जत एहतराम के साथ अपनी वालदा को ऊँटनी से उतारा। जब हम सब इत्मीनान से बैठ गए तो खातून ने अपने बेटों से मुखातिब होकर ये आयत पढ़ी, फबासु अहदकुम बिवारिकिकुम हाज़िही इलल मदीनते फलयंज़ुर अय्युहा अज़का तआमन फलयातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु, यानी अब अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर की तरफ भेजो, फिर वो तहकीक करे कि कौन सा खाना ज़्यादा पाकीज़ा है, तो इसमें से तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आए। ये सुनते ही उनमें से एक नौजवान दौड़ा गया और करीब शहर से कुछ खाना ख़रीद लाया। वो खाना मेरे सामने रखा गया तो खातून ने कहा, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ़तुम फिल अय्यामिल खालिया, यानी खुशगवारी के साथ खाओ पियो, ये सबब इन आमाल के, यानी खुशगवारी के साथ खाओ पियो बासबब इन आमाल के जो तुमने पिछले दिनों में किए हैं। मुझसे ना रहा गया और मैंने नौजवान से किया कहा, जब तक तुम मुझे इस खातून की हकीकत नहीं बतलाओगे मैं इस खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो नौजवान ने कहा, ये हमारी वालदा हैं, इनके पिछले 40 साल से यही कैफियत है। इस अरसे में उसने कोई लफ्ज़ आयात कलाम पाक के सवा ज़ुबान से नहीं निकाला। ये पाबंदी उन्होंने अपने ऊपर इसलिए लगाई कि कोई ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान से ना निकल जाए जिसकी क़यामत के दिन बाज़ परस हो। मैंने कहा, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये खातून कौन थी, इसका नाम क्या था और किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, इसके बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता। किसी ने उनकी कुनियत उम्मे यहया बयान की और किसी ने उनका नाम राबिया बसरी लिखा है, लेकिन ये सब क्यासी बातें हैं। उसका असल नाम और हसब नसब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है।
या लहू, जिसका तर्जमा अल्लाह
लेकिन ये सब क्यासी बातें हैं, उसका असल नाम और हसब व नसब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है।